आईपीएल कब से शुरू हो रहा है, अरुण धूमल ने क्या कहा, जानने के लिए वीडियो में बने रहे। आईपीएल 2024 की शुरुआत 22 मार्च से होगी। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने मंगलवार को न्यूज एजेंसी पीटीआई से इसकी पुष्टि की है। आम चुनाव के बावजूद पूरा टूर्नामेंट भारत में ही खेला जाएगा। चुनाव अप्रैल और मई में होने की उम्मीद है और यही मुख्य कारण है कि आईपीएल के 17वें संस्करण के शेड्यूल को अभी तक जारी नहीं किया गया है। धूमल ने कहा कि शुरुआत में सिर्फ पहले 15 दिनों का शेड्यूल जारी किया जाएगा, बाकी मैचों की सूची आम चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद तय की जाएगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अगले महीने की शुरुआत में होने की उम्मीद है। धूमल ने कहा, हम टूर्नामेंट की शुरुआत 22 मार्च से करने की उम्मीद कर रहे हैं। हम सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हम पहले शुरुआती शेड्यूल जारी करेंगे। पूरा टूर्नामेंट भारत में ही आयोजित किया जाएगा। सिर्फ 2009 में ही आईपीएल पूरी तरह से विदेश में दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था, जबकि 2014 में आम चुनाव के कारण कुछ मुकाबले यूएई में खेले गए थे। 2019 में कोविड के कारण मैचेस बाहर हुए थे। यह देखते हुए कि टी20 विश्व कप आईपीएल के खत्म होने के कुछ दिनों के बाद ही शुरू हो जाएगा, फाइनल 26 मई को होने की संभावना है। भारत विश्व कप में अपना पहला मैच 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा, जबकि आईसीसी टूर्नामेंट की शुरुआत 1 जून को अमेरिका और कनाडा के बीच मैच से होगी। आईपीएल का पहला मैच पिछले साल की फाइनलिस्ट टीमों के बीच खेला जाता है। ऐसे में इस साल पहला मुकाबला 2023 आईपीएल की विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स और उपविजेता गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। 2024 सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी पिछले साल दिसंबर में हुई थी। इस मिनी ऑक्शन में 300 से ज्यादा खिलाड़ियों की किस्मत दांव पर थी, हालांकि उनमें से केवल 72 खिलाड़ियों पर ही बोली लगी। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.50 करोड़ रुपए में खरीदा। इस नीलामी में 10 करोड़ या उससे ऊपर की बोली 6 खिलाड़ियों पर लगी। कुल 39 खिलाड़ी करोड़पति बने, यानी उन पर 1 करोड़ या इससे ऊपर की बोली लगी। भारत की ओर से हर्षल पटेल ऑक्शन में सबसे महंगे बिके। उन्हें पंजाब किंग्स ने 11.75 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं समीर रिजवी इस नीलामी के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर रहे। उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 8.40 करोड़ रुपए में खरीदा। ऑक्शन से पहले सभी टीमों के पास खर्च करने को कुल 262.95 करोड़ रुपए थे। 10 टीमों ने कुल मिलाकर 230.45 करोड़ रुपए खर्च किए। इस नीलामी में कुल 9 अनकैप्ड खिलाड़ी करोड़पति बने और सभी भारतीय हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब तक ज्ञान के अंधे न बनें।